हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको नमस्ते। आज हम बनाएंगे पेड़े की मिठाई, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वे भी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने एक कटोरी जो है मिल्क पाउडर लिया है, और ये दूध लिया है, देखिए हमने एक कप दूध लिया था लेकिन आधा कप ही लगा है, तो हम आधा कप दूध ही लेंगे। इसको रख देते हैं। अब ये देखिए हमने आधी कटोरी घी लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। मिल्क में ऐड लेंगे 100 ग्राम। अब हम इसको चलाएंगे। और इसमें हम अभी ये जो हमने मिल्क पाउडर खोल के रखा था ये भी डाल देंगे। और अब इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि ये आटे की तरह डो जैसा ना बन जाए, तब तक हम चलाते रहेंगे। ये देखिए हम इसको सेम फ्लेम पे बनाएंगे, तेज पे नहीं बनाएं, क्योंकि ये जल जाएगा और नीचे लग जाएगा तले में। और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे हम, अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, अभी हम इसको और गाढ़ा करेंगे जब तक कि ये आटे के डो जैसे ना सिमट जाए। अब ये देखिए इसने कढ़ाई छोड़ दी है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और ये कढ़ाई छोड़कर एक जगह इकट्ठा होने लगा है, एक आटे की डो की तरह बनने लगा है। और इसमें हमने चीनी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मिल्क मेड खुद ही मीठा होता है और मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है, इसलिए हमने इसमें मिठाई में मीठा नहीं डाला है।
अब ये देखिए आटे की डो की तरह हो गया है और कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा होने देते हैं और फिर इसके पेड़े बनाएंगे। अब देखिए ये ठंडा हो गया है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखिए ये हमने एक पेड़ा बना लिया है। ये देखिए ऐसे करके हम सारे बना लेंगे।